मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डीएचक्यू अस्पताल शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद मुगल ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं राना अब्दुल सलाम ताहिर की रिपोर्ट। शोरकोट मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जिसमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए जाएंगे। पोलियो मुहिम का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल ने 5 साल से कम उम्र के बच्चे को कतरे पिलवाकर किया। इस मौके पर MSTHQ शोरकोट का कहना था कि जी पोलियो कैंपेन पूरे पाकिस्तान में आज से शुरू हुई है और ये 5 दिन की कैंपेन होगी। इसमें 3 दिन बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे, सारे इलाके में घर पर जाकर टीमें पोलियो को कतरे पिलाएंगी और बाकी 2 दिन में फिर दोबारा राउंड करेंगे। जो रह गए हैं बच्चे या किसी वजह से तो उनको दोबारा वो ताकि कवर कर सकें कैचअप एक्टिविटी के अंदर। तो इस कैंपेन के अंदर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और 6 महीने से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को विटामिन के ड्रॉप भी पिलाए जाएंगे। तहसील शोरकोट में इस कैंपेन का इफ्तिताह AC साहब नियाज अहमद मुगल साहब ने किया। DHQ हॉस्पिटल शोरकोट में इस मौके पर डॉक्टर रेहान ताहिर साहब जो डिप्टी DHO हैं वो भी मौजूद थे। तो इसमें तहसील शोरकोट में कोई जो टोटल पॉपुलेशन है 5 साल तक के कम उम्र के बच्चों की वो 1,11,500 बच्चे हैं और उसको कवर करने के लिए घर घर जाकर कतरे पिलाने के लिए 460 टीमें तश्कील दी गई हैं। उसके साथ एरिया इंचार्ज जोनल सुपरवाइज़र हैं। तो इंशाल्लाह शहरियों से भी हमारी ये गुजारिश होगी कि अपने बच्चों को लाजमन इस मुहिम से बचाओ के कतरे लाजमन पिलवाएँ। अगर कोई बच्चा रह भी जाता है तो हमारे फिक्स सेंटर हर BAU RIC लारी अड्डे और इन तमाम जगहों पर मौजूद हैं। DHQ हॉस्पिटल में भी मौजूद है तो वो यहाँ आकर भी अपने बच्चों को कतरे पिलवा सकते हैं। MSTHQ शोरकोट का मजीद कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पोलियो से बिल्कुल पाक हो जाएगा। कैमरामैन आमिर शब्बीर के साथ राना अब्दुल सलाम ताहिर, स्टार एशिया न्यूज़, शोरकोट।